नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में सभी विषयों के जो सिलेबस है नया वाला वो जारी हो चुका है, और जो जीके है फर्स्ट पेपर उसके लिए तो बहुत सारे मेरे विद्वान साथियों ने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड कर दिए हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस अपना जो सब्जेक्ट है उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो जीके में चेंजेस हैं वो आप देख लीजिएगा, और विद्वान साथी हैं तो डबल ऐसे बनाने का कोई मतलब नहीं है, और अब समय भी आपका बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो देखेंगे। कुछ एक महत्वपूर्ण चेंजेस हैं तो वो डेफिनेटली आपको देखने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो तीन भागों में है, एक सीनियर सेकेंडरी लेवल, एक ग्रेजुएशन लेवल और एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। क्योंकि आप लेक्चरर बनने जाओगे तो आपको पीजी, यूजी और सीनियर सेकेंडरी तीनों का नॉलेज होना चाहिए, विशेषकर सीनियर सेकेंडरी का, क्योंकि आपको आगे पढ़ाना भी उन्हीं को है। तो देखिए, सीनियर सेकेंडरी वाले में जो है, सबसे पहला बिंदु आप देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड इट्स यूटिलिटी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर है। फिर सेकंड आप देखोगे कॉन्सेप्ट्स में, तो राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये जो है, अब इसमें क्या है, देखिए इसमें कुछ एक चेंजेस जो है किए गए हैं। अब इसमें क्या चेंजेस किए गए, तो पहले देखिए, ये जो है राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये जो है पांच बिंदु है। अब पहले ये पांच नहीं होते थे, इसमें सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट भी होता था, जो कि अब हटा दिया गया। तो वो सिटीजनशिप और डेवलपमेंट आपको जो है नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे ऐसे बिंदु है जो हटाए गए, काफ़ी सारे जोड़े गए, और काफ़ी सारे ऐसे भी है जो एक इकाई में से हटा के दूसरे में डाल दिए, मतलब जो पीजी लेवल है उसमें से हटा के यूजी में, या यूजी में से हटा के सीनियर सेकेंडरी में डाल दिए। तो ये चेंजेस भी किए हैं, वो थोड़ा सा देखना इसमें आप जो है ज़रूरी आपके लिए होता है। अब ऐसे सारे बिंदु नहीं पढ़ेंगे, फटाफट से क्या जोड़ा हटा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगला बिंदु जो जोड़ा है इसमें वो है साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये देखिए अगला तीसरा बिंदु है, इसमें ये जोड़ा गया। इससे पहले क्या था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना वगैरह, यही सारी चीज़ें थी। अब इसमें जो नया जोड़ा है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि कुछ एक जो गाइड्स वगैरह है उसमें ये पहले भी दिया होता था कि अपने जो संविधान के वो क्या फीचर्स है, क्या विशेषताएँ हैं जो औरों में नहीं है, ऐसे कुछ करके बिंदु होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें लिख दिया गया कि हाँ, आपको ये भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, तो ये एक चेंज है। अगला जो बिंदु इसमें से हटाया गया है अपने, तो वो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हटाया गया है। अब देखिए, वो जो बिंदु आपको मिलेगा वो अपने जो पिछला अगर सिलेबस आप देखोगे तो उसमें आपको जो है चौथे बिंदु के अंदर, तीसरे या चौथे बिंदु में जो ये मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है हटा दिया गया है। अब अगला जो इसमें जोड़ा गया है वो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन इंडिया इमर्जिंग, जो वाला पॉइंट है वो आपके इसमें जो है जोड़ा गया है। देखिए, ये रहा थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन इंडिया इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो ये फेडरलिज्म में जो है नया जोड़ा गया। इससे पहले क्या था कि फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इतना ही लिखा होता था, इसमें कुछ विस्तार पूर्वक नहीं दिया होता था कि आपको इसमें क्या कुछ पढ़ना है। लेकिन अब थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है स्पेशली लिख दिया गया है, तो ये आप एक नया इसमें जो है मान सकते हो। और देखिए, अब एक बिंदु इसमें ऐसा भी है जो यहाँ से हटा के कहीं और जोड़ा गया, वो कौन सा देखिए, वो है यहाँ पर जो दिया हुआ, देखिए अपने जो बिंदु है वो आपको सीधा पीजी में मिलेगा, पिछला जो सिलेबस था। अब देखिए, ये जो पीजी में दिया हुआ है सबसे नीचे वाला, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, ईयू, आसियान, सार्क, नाम, तो इनके क्या क्या भूमिका वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें पहले किस में थी, पहले सिलेबस में जो है ग्रेजुएशन लेवल जो है इसमें दिया हुआ था ये, और नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पे दिया हुआ था। अब इसको यहाँ से उठा के इन्होंने कहाँ डाल दिया, पीजी में। देखिए, अब इसमें ट्वेल्थ लेवल में जो आप पढ़ते थे वो इतना विस्तार पूर्वक नहीं था, लेकिन पीजी लेवल में जब आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो है उसमें वो दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना। अलग मोस्ट चीज़ें हैं, कब स्थापना हुई, लेटेस्ट कौन सी कंट्री उसकी सदस्य है, पूरा नाम क्या है और उसके अध्यक्ष कौन है, ऐसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट जो अभी टोटल देशों की संख्या कितनी है, और लेटेस्ट जो इसका सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ है, और भारत उसका सदस्य है कि नहीं है, तो ये चीज़ें इसमें पूछ सकते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट हाँ, पीजी लेवल का बताया तो ये थोड़ा डीप हो सकता है, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये एक अपने जो है ग्रेजुएशन लेवल में यही चेंजेस हैं। दो बिंदु हटाए गए हैं, दो जोड़े गए हैं, एक हटा के पीजी में डाल दिया है। अब देखिए, ग्रेजुएशन लेवल सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें भूमिका निभाता है वो ग्रेजुएशन लेवल ही निभाता है।
अब देखिए ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, अब सारी चीज़ें पढ़ने जाएंगे समय लगेगा। तो देखिए गवर्नमेंट जो ऑर्गन्स हैं, मतलब सरकार के जो भाग हैं या सरकार के जो अंग हैं जिसे आप कह सकते हो, तो गवर्नमेंट ऑर्गन्स वाले में क्या किया इन्होंने, थोड़ा सा विस्तृत कर दिया। पहले क्या लिखा था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जो ये लिखा है ना, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और अपने जो जुडिशरी जो है, अब इसमें क्या किया इन्होंने कि थोड़ा सा इसको विस्तृत कर दिया। पहले क्या लिखते थे इसमें, गवर्नमेंट ऑर्गन्स में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीन शॉर्ट में लिखी हुई थी, लेकिन अब इन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी पढ़नी है। तो लेजिस्लेचर में आपको पढ़नी है पार्लियामेंट, किसकी, यूके एंड फ्रांस में तो पार्लियामेंट संसद होती है, कांग्रेस वही संसद है, नाम कांग्रेस रखा हुआ यूएसए में, और फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड में जो है संघीय संसद कहते हैं। तो ये सारे दिए हुए हैं, वैसे सेकंड ईयर की आप जेएनयू की बुक्स पढ़ोगे, ओरिजिनल ऑथेंटिक बुक्स जो पुखराज जी वगैरह ने लिखी है, तो वो आप अगर पढ़ोगे, मेरे सब शायद, हाँ जी, पुखराज जी की है, बीएल पड़िया की फाइनल ईयर में, तो पुखराज जैन जी जो अपने कॉलेज लेक्चरर रहे हैं और प्रोफेसर रहे राजनीति विभाग के, तो उनकी आप ये बुक पढ़ोगे तो उसमें ये दे रखा है उन्होंने ये सारी चीज़ें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वही पढ़िए और कोई मत पढ़िए, लेकिन हाँ उसमें ये चीज़ें हैं, क्योंकि कॉलेज में जो है हम लोग ये पढ़ाया करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें और क्या कुछ है, इसमें पहले तो केवल शॉर्ट में दिया हुआ था कि आपको जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पढ़नी है, लेकिन अब बता दिया किन किन की पढ़नी है, ये सारे उसमें दिए हुए हैं। और देखिए इसमें क्या किया कि जो शक्ति पृथक्करण वाला है, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको क्या किया कि अब थोड़ा अलग करके लिख दिया गया। पहले इसको जो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो था वो साथ में लिखा हुआ था, किसके साथ में लिखा हुआ था, वो गवर्नमेंट ऑर्गन्स जो है उसके साथ में जो है दिया हुआ था सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब इसको थोड़ा सा अलग करके इन्होंने लिख दिया है, जैसे वो लिखा हुआ था व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके आगे ही लिखा हुआ था, लेकिन अब अलग करके इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है अलग लिख दिया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने करने की कोशिश की है। अब देखिए इसमें और क्या कुछ है, तो थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस जो है ये इसमें बिंदु पिछली बार भी था, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तृत करके लिखा। पिछली बार में क्या था 2018 वाले में कि थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आगे इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स यानी कि राजनीतिक दल और जो दबाव समूह उनके बारे में लिखा, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप जो है यानी कि तानाशाही या जिसको जो आतदाई बोल सकते हो, पार्लियामेंट्री एंड प्रेजिडेंशियल, फेडरल एंड यूनिटरी, तो मतलब हर तरह का जो आप कह सकते हो कि राजतंत्र है, लोकतंत्र है, संसदात्मक है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा इन्होंने डीप करने की कोशिश की, इसलिए विस्तृत करके इन्होंने लिख दिया है। तो ग्रेजुएशन लेवल में इतना ही चेंज है, थोड़ा सा डीप करने की कोशिश की, थोड़ा सा सिलेबस का विश्लेषण कर दिया गया, विस्तृत कर दिया गया, बाकी इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा है नहीं। और फिर पीजी लेवल का अगर आप देखने जाओगे तो देखिए पीजी लेवल में, देखिए थोड़े से पॉइंट जो है इस बार आपको शायद ज़्यादा लगे पीजी लेवल में, लेकिन इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए पीजी लेवल में एक तो हटा दिया इन्होंने, क्या हटाया, डायनामिक्स ऑफ फेडरलिज्म इन यूएस एंड इंडिया, ऐसे कुछ करके एक बिंदु था पिछली बार, तो यूएस और इंडिया के जो फेडरलिज्म है उसमें उसकी जो विशेषताएं वगैरह दी हुई होती थी, तो वो इन्होंने हटा दिया, तीसरा ही बिंदु था शायद पीजी में। अब जोड़ा क्या इन्होंने, देखिए ये जो है इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, तो मतलब चुनाव और चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह जो है, या जो समाज कैसे प्रभावित होता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल नई ऐड करी है, जो पिछली बार उसमें अपने नहीं थी, पिछली बार के सिलेबस में नहीं थी। और देखिए इसको जैसे मैंने अभी एक बिंदु आपको बताया था, जो ट्वेल्थ वाले लेवल से पीजी में जोड़ा है वो कौन सा है, वो तो आपको पता ही है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले, तो सेम है, पहले वो टेंथ, माफ कीजिएगा, ट्वेल्थ वाले लेवल में था, अब इसको पीजी वाले लेवल में ला के डाल दिया। तो यही है, तो जैसे मैंने इसमें बताया, हटाया क्या डायनेमिक्स ऑफ फेडरलिज्म और जोड़ा क्या इलेक्शंस, पॉलिटिकल जो पार्टीज एंड बिहेवियर जो है, वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, सिविल सोसाइटी, तो ये जोड़ा गया। तो ये कुछ एक बिंदु आपको जो है पढ़ने, हटा दिए तो उनको जाने दो, और पढ़ लोगे तो भी हटाए हुए पढ़े हुए तो काम आएंगे, लेकिन जो नए जोड़े हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और बाकी तो फिर आगे वो साइकोलॉजी वगैरह वो मेरे साथी विद्वानों ने बता दिया होगा, खैर मुझे इतना उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है, नॉर्मल जानते हैं। तो यही अपने जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें चेंजेस हुए हैं, बाकी जो भी अपडेट आएगी तो पहुँचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।